सो हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। अभी जो वीडियो देख रहे थे, वीडियो बनाने के लिए प्रोफेशनल से वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए, थोड़ा सा वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को लाइक रखेंगे, वीडियो को लाइक कर दिया हमारे चैनल पर पहली बार, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल होता है ताकि हम वीडियो हम डालते रहते आपको नोटिफिकेशन मिल रहे। इसमें सारा मटेरियल हम यूज किए हैं, सारा चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल, वहाँ से स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड करके वीडियो को बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमसे अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं इस तरह के, तो आपको व्हाट्सअप में कॉन्टैक्ट दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इस तरह से आपका इमेज के साथ इस तरह से वीडियो आपको हम बनाकर भेज देंगे। इसके लिए आप क्या करना, कुछ पैसा इसको जो पेड करना पड़ेगा, तो आपको आपको जो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिए आपको बता दिया जाएगा कि कितना आपको पैसा पेड करना पड़ेगा और आपको वीडियो बनाकर हम भेज देंगे। ठीक है, तो वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। लिंक सॉरी, आपका जो व्हाट्सएप जो कॉन्टैक्ट नंबर है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर वहाँ से आपको देख लेना है, आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को फ्री में बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, कैन मास्टर को ओपन कर लेना है। कैन मास्टर को ओपन करने में क्या करना है, आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको क्या करना, सबसे पहले बैकग्राउंड को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। आपके पास कैन मास्टर नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके देखिए बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ से डाउनलोडिंग जाना है। और देखिए मेरे पास यहाँ पर बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है तो क्या करना, इसको रेशियो को इसको यहाँ से बढ़ा देना। ठीक है, जो इसका लेंथ है इसको बढ़ा देना, इसको हम 30 सेकंड कर देंगे। आप अपने वीडियो के हिसाब से देख लीजिए, आप जितना जितना बड़ा उसको बनाना चाहते उतना बड़ा इसको यहाँ से लेंथ को बढ़ा देना। ठीक है, बढ़ाने क्या करना है, ऊपर देखिए यहाँ पर पेन जूम का ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक पेन जूम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करना, यहाँ से प्लस का आइकन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके आपको दो फिंगर से इस इमेज को क्या करना है, आपको यहाँ से जूम करना है इस तरह। ठीक है, इस तरह से जूम करिएगा तो इस तरह से आपको जूम करना है, और जूम करना आपको कुछ इस तरह से इस तरफ खींच लेना है और यहाँ पर इस तरह से। अब क्या करना, देखिए यहाँ से प्लस का आइकन पर क्लिक किए थे तो आपको इसको फिर से इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सेकंड वाला जो डिस्प्ले दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करिएगा और इस पर क्लिक करके आपको फिर से फिंगर से क्या करना, आपको इस तरह से खींच लेना है इमेज को। ठीक है, इस तरफ खींच लीजिएगा और यहाँ पर कुछ इस तरह से खींच लेना है और यहाँ पर इसको आपको कुछ इस तरह से इसको लगा देना। ठीक है, इतना बेहतरीन लग रहा है, आपको कुछ इस तरह से कर लेना। फिर से ऊपर एरो का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको बैक आ जाना है। अब बैक आएगा, देखिए आपका इमेज में कुछ बैकग्राउंड इमेज में कुछ इस तरह से इफेक्ट लग जाएगा। ठीक है, लग रहा है कि जैसे बादल चल रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको इफेक्ट को लगा देना है। लगाना तो क्या करना, आपको वीडियो को फर्स्ट में जाना। ठीक है, वीडियो को फर्स्ट में आइएगा, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना है ताकि आपको एक भी पॉइंट अगर मिस हो जाएगा कि आपको वीडियो परफेक्ट तरीके से नहीं बन पाएगा। ठीक है, हम आपको बताते हैं कि इस स्टेप में कौन सा इमेज लेना है, फिर अगला स्टेप में कौन सा इमेज लेना है, फिर अगला स्टेप में कौन सा इमेज लेना है, इस तरह से आपको हम बताते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है ताकि आपको कोई भी इमेज को लेने में अगर आगे पीछे हो जाएगा तो वीडियो परफेक्ट तरीके से नहीं बन पाएगा। ठीक है, वीडियो को आगे पीछे जो आपका जो इमेज आगे पीछे नहीं लेना, जो स्टेप बता रहे सेम स्टेप पर फॉलो करना है, आसानी से वीडियो को बना सकते हैं। फिर से आपके यहाँ से लेयर क्लिक करना है और आपको यहाँ से मीडिया का ऑप्शन देखिए, इस पर क्लिक कर देना है और फिर से आपको यहाँ से डाउनलोडिंग में चल जाना। ठीक है, मेरे पास डाउनलोडिंग है, फाइल है, इसमें डाउनलोडिंग फाइल में चल जाना है। और देखिए मेरे पास यहाँ एक इमेज है, पीएनजी इमेज है। ठीक है, इस इमेज का आपको ले लेना। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन हम डाल देंगे, अब इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, इसको पूरा हम डिस्प्ले को इस तरह से पूरा फुल कर देंगे। फुल करके आपको क्या करना है, इसी जगह पर इस तरह से थोड़ा सा इसको नीचे करना है और यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर लगा देना। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको लगा दीजिएगा, इस कितना बेहतरीन लग रहा है, आपको इस तरह से लगा देना। ठीक है, लगाने में क्या करना, इसको लेयर को हम पूरा लास्ट तक कर देंगे, आपको भी लेयर को पूरा एकदम लास्ट तक कर देना ताकि वीडियो जो परफेक्ट तरीके से बन पाए। ठीक है, तो इसको हम लास्ट तक कर दिए, आपको भी इसको लास्ट तक कर देना है। लास्ट तक करना, इसको थोड़ा सा और हम नीचे कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए, चलिए अब सही है। इस तरह से आपको इसको इस तरह से एडजस्ट कर देना है और यहाँ से आपको बैक आ जाना है। इसको अच्छी तरह से जो कि आपको दोनों साइड लाइनिंग दिख रहा है, इसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर देना है ताकि इसमें जो गैपिंग नहीं बने। ठीक है, इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है और इस तरह से आपको यहाँ पर फिक्स कर देना। ठीक है, फिक्स करने का फिर से वीडियो को फर्स्ट में ही रहना है, लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है, फिर से आपको डाउनलोडिंग में चल जाना। ठीक है, डाउनलोडिंग फाइल में ओपन कर लेना, ओपन करना देखिए मेरे पास एक इमेज है पीएनजी, इसको आपको ले लेना है। इसका लिंक में हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको क्या करना है, इसको लेंथ को पूरा लास्ट तक कर देना। ठीक है, पूरा लास्ट तक कर देगा, इसके बाद क्या करना है, इसको साइज को बढ़ाना है। ठीक है, इस तरह साइज को इस तरह बढ़ा लीजिएगा, कुछ इस तरह से साइज को बढ़ाना है। देखिए इस तरह से, अब इसको क्या करना है आपको, और इसको फिक्स करना है। फिक्स कैसे करना है वो बताते हैं आपको, पहले हम इसको क्या करेंगे, इस जगह पर कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको लगा देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको लगा देना है। लगाने के कहना, वीडियो को फर्स्ट में आइए और यहाँ से आपको चाबी का एक आइकन दिखा देगा, की का आइकन, इस पर आपको क्लिक करना। ठीक है, इस पर क्लिक करिए और इस इमेज को क्या करना, आपको यहाँ से लास्ट में आ जाना। ठीक है, पूरा लास्ट में, इस वीडियो को पूरा लास्ट में आ जाइए। पूरा लास्ट में आने क्या करना, आपको इस इमेज को घींच कर आपको इस तरफ कर लेना। ठीक है, देखिए इस तरफ कर लीजिए और यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको आपको फिक्स कर देना। फिक्स कर दीजिए, फिर से एरो का आइकन क्लिक करिए, बैक आइए। अब देखिए कुछ इसके अंदर जो कुछ इमेज है, देखिए आपको कुछ इफेक्ट कुछ इस तरह से यहाँ पे इफेक्ट लग जाएगा। ठीक है, कितना बेहतरीन लग रहा है, आपको भी कुछ इस तरह से कर लेना है। अब क्या करना है, वीडियो को फर्स्ट मानना है, लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है, फिर से आपको उसी डाउनलोडिंग में चल जाना है।
जो फाइल डाउनलोड हम बताए थे उसी फाइल में डाल देना और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना इस पीएनजी इमेज को। और इसको डाउनलोड करने से क्या करना, पूरा लेंथ को पूरा लास्ट तक कर देना, ठीक है। तो इसको पूरा हम लास्ट तक कर देते हैं। इस पर क्या करना, इसको साइज को थोड़ा छोटा करना है, थोड़ा छोटा करके अब इसको इस जगह पर यहाँ पर लगाना, ठीक है। देखिए इस जगह पर इस तरह से लगा देना है, फिर थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करना है, इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करके हम इसको इस तरफ कर लेंगे और इसको यहाँ पर फिर से इस जगह पर फिक्स कर देंगे, ठीक है। आपको फिक्स कर देना है, जैसे कितना बेहतरीन लग रहा है आपको इस तरह से फिक्स कर देना है, इस तरह से आपको यहाँ पर दिखने में लगेगा, ठीक है। अब क्या करना है, वीडियो को फर्स्ट में ही रहना है, लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है। हम इसलिए आपको बोलते हैं बार बार कि आपको स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, ताकि आपको देखिए इमेज लेने में आगे पीछे हो जाएगा या दूसरा इमेज एक ले लीजिएगा, क्योंकि वीडियो परफेक्ट तरीके से नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना, देखिए मेरे पास भारत माता का पीएनजी इमेज है, ठीक है, इसको आपको ले लेना है। इसको भी क्या करना, आपको लेंथ को पूरा लास्ट तक कर देना, ठीक है। इसको भी लेंथ को पूरा लास्ट तक कर दिए। अब क्या करना है, इसको जो भारत माता का पीएनजी इमेज है, अब क्या करना, इसको साइज को थोड़ा छोटा करना है। इसको क्या करना, आपको इस जगह पर यहाँ पर लगाना, ठीक है। जो भारत माता का जो पीएनजी इमेज है, आपको यहाँ पर इस तरह से ले आना है, इस जगह पर इस तरह से लाने में क्या करना है, इसको यहाँ पर 4 सेकंड स्क्रॉल करिए, ठीक है। पहले 4 सेकंड स्क्रॉल कर लिए, जैसे हम सेकंड का जो नाम ले रहे हैं, जैसे आपको सेकंड कहाँ पर ध्यान देना है आपको वो भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए आपको जैसे हम सेकंड बोलेंगे तो आपको इस जगह पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर देखिए 4 सेकंड हम ले लिए, आपको कुछ इस तरह से 4 सेकंड ले लेना है। लेने में क्या करना, आपको एक चाबी ऊपर देखा आपको ट्रिम का ऑप्शन मिलेगा, कैची का आइकन, इस पर क्लिक करना है। और सबसे नीचे वाला तीसरा नाम ऑप्शन आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको देखिए आपका जो इमेज है आपको दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आपको सेकंड पार्ट को क्लिक करना है, चाबी का आइकन पर क्लिक करना है। इसका आपको क्या, आपको यहाँ से 2 सेकंड स्क्रॉल करना है, यानी कि 6 सेकंड पा देना, ठीक है। इसको हम 6 सेकंड पा गए हैं। इसको साइज को क्या करना, आपको इससे बड़ा करना है, इससे बड़ा करिएगा, कुछ इस तरह से बड़ा करके आपको यहाँ पर लगा देना है, देखिए इस तरह से आपको फिक्स कर देना है। साइज को अपने हिसाब से छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, आपको देख लीजिएगा आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देना, ठीक है। आपको क्या करना, फर्स्ट इमेज पर क्लिक करना है जो इसमें कट किए थे, उसका चाबी का आइकन पर क्लिक करना है और इस इमेज को लास्ट में आ जाना है। और प्लस का आइकन इस साइड में दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करिएगा और इस इमेज को क्या करना, आपको फर्स्ट में जाना है। फर्स्ट में इसको क्या करना, आपको थोड़ा सा नीचे करना है, ठीक है। पूरा नीचे कर लीजिए, चाबी को थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए और उसको पूरा नीचे करना है, ठीक। नीचे करके और आपको 3 डॉट का ऑप्शन सबसे ऊपर में दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इसको सेंड टू बैक कर देना, बैक करिएगा। अब देखिए इसके अंदर कितना बेहतरीन तरीके से आपका जो इफेक्ट यहाँ पर लग चुका है, ठीक है। वीडियो को प्ले करके आप दिखाते हैं, अब देखिए कितना बेहतरीन तरीके से इसके अंदर जो इफेक्ट लग चुका है, और इसके ऊपर से और बाहर अंदर से और बाहर के और इससे आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना, आपको 6 सेकंड पा जाना है, फिर से आपको यहाँ से लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है। इसका देखिए मेरे पास भारत माता का जो आपका जो देखिए जो भारत जो मैप है उसका मैप पीएनजी इमेज ले लेना, ठीक है। इसको मैप पीएनजी इमेज ले लीजिएगा। इसको क्या करना, आपको इस जगह पर यहाँ पर लगाना, ठीक है। इसको पहले हम साइज को छोटा करेंगे कुछ इस तरह से, और छोटा करिए और इसको यहाँ पर जो अच्छी तरह से यहाँ पर फिक्स होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से साइज को थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए, चलिए अब सही है। इस तरह से आप यहाँ पर लगा देना, ठीक है। लगाने के लिए क्या करना, पहले हम इसको लेयर को लेंथ को पूरा लास्ट तक कर देंगे, इसका जो लेंथ है इसको पूरा लास्ट तक कर देंगे। उसके क्या आपको इसको 3 डॉट का ऑप्शन क्लिक करना है, इसको सेंड टू बैक कर देना, बैक करिएगा। और बैक करने के क्या करना, आप इसको थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए, बहुत बड़ा है, चलिए अब सही। इस तरह से आप यहाँ पर एडजस्ट कर देना, एडजस्ट करके चाबी के आइकन पर क्लिक करना है। आपको 2 सेकंड स्क्रॉल करना है, ठीक है, यानी कि 8 सेकंड पर आ जाना है। उसको हम यहाँ से 8 सेकंड पर आ जाते हैं। उसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और इस इमेज को फर्स्ट में आ जाएंगे। फर्स्ट हमारा आने वाले इसको घींच कर हम इसको पूरा नीचे का ओर ले जाएंगे, ठीक है। आपको नीचे का ओर ले जाना है और फिर से इसको क्या करना, आपको 8 सेकंड पर आ जाना, ठीक है। इसको हम 8 सेकंड पर आ गए, फिर से आपको यहाँ से लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है, फिर से आपको उसी डाउनलोडिंग फाइल में चल जाना है। सारा मटेरियल को डाउनलोड करके आपको डाउनलोडिंग फाइल में ही जाएगा। उसको देखिए मेरे पास अशोक चक्र का जो पीएनजी इमेज है, इसको आपको यहाँ से ले लेना, ठीक है। इसको यहाँ से ले लेते हैं, आपको अभी इसको ले लेना, लेने में क्या करना, इसको साइज को छोटा करना, ठीक है। इसको छोटा करके और जो इस चक्र वाला जो पीएनजी इमेज है, इसको इसी चक्र पर यहाँ पे इसको लगाना, ठीक है। देख लीजिएगा इस जगह पर, यहाँ पर अच्छी तरह से फिक्स होना चाहिए, ताकि देखने में बेहतरीन और अच्छा लगे। इस तरह से आपको यहाँ पर फिक्स कर देना है। इस तरह से फिक्स करने में क्या करना, आपको इसके अंदर एनिमेशन का यूज़ करना, जो कि जाना आपको एन एनिमेस के अंदर इसको पॉप को सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करके इसको रेशियो को आपको 1.5 कर दीजिएगा। फिर से एरो का क्लिक करके बैक आइए। इसके बाद आना आपको ओवर एनिमेशन के अंदर में, ठीक है। देखिए ओवर एनिमेशन तक इस पर क्लिक करना है और सबसे नीचे जाइए और इस एनिमेशन को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करके फिर से एरो का आकर क्लिक करिए और यहाँ से बैक आ जाइए। आप देखिए इस जगह पर कितना बेहतरीन तरीके से इफेक्ट लग चुका है, ठीक है। इस तरह से आपको लगा देना है। लगाने में क्या करना है, इसको मैं 8 सेकंड पर लिए थे, अब आपको चलाना है कि 9 सेकंड में, ठीक है। इसको 9 सेकंड पर आइए, 9 या 10 सेकंड पर भी ले आ सकते हैं। इसको हम 10 सेकंड पर ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से लेयर क्लिक करेंगे और मीडिया क्लिक करेंगे और देखिए मेरे पास एक लड़की का इमेज है, इसको यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, नहीं तो आप अपना क्या करना, आप अपना इमेज को यहाँ पर लगा सकते हैं। जो आपका इमेज है जो पीएनजी में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका इमेज पीएनजी में आपको बनाना नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर हम वीडियो बनाए तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में डाल देंगे, जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा किसी भी इमेज को पीएनजी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। जाकर उस वीडियो को आपको देख लेना, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। अब इस इमेज को हम पीएनजी में आपको कन्वर्ट कर देना है। करने में क्या करना, आपको इसको जो लड़की वाला इमेज है इसको क्या करना, आपको इसके अंदर एक इफेक्ट को लगाना है, जो कि आपको एन एनिमेशन जाना है।
और स्लाइड लेफ्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके रेशियो को आपको 2 सेकंड कर देना, ठीक है। इसको हम 2 सेकंड कर दिए, आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। उसके क्या करना, आपको फिर से एरो आइकन क्लिक करके बैक आइए। अब इसको 2 सेकंड स्क्रोप की जगह पर चलाना है 12 सेकंड, ठीक है, 12 सेकंड पर जाइए। उसका फिर से आपको लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है, फिर से आपको डाउनलोडिंग फाइल में जाना, ठीक है। एक और यहाँ पे एक इमेज लेंगे तो आपको डाउनलोडिंग फाइल में चल जाना है। और देखिए मेरे पास एक इमेज है, इसको यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, सारा इमेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब क्या करना, इसको साइज को थोड़ा छोटा करना है, छोटा करके हम इसको इस जगह पर यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। कुछ बेहतरीन तरीके से आपको लगाना है यहाँ पर, और इस तरह से लगाना है। इसके अंदर भी एनिमेशन यूज करेंगे, जो कि जाना आपको एनिमेशन के अंदर सबसे नीचे जाइए, इंटर स्लाइड यूप का ऑप्शन लगेगा, इस पर क्लिक करके रेशियो का आपको इसको 2 सेकंड कर देना है, यानी कि 2 सेकंड कर देना है। फिर से एरो का अगर हम क्लिक करिए बैक आइए, इसके आपको 2 सेकंड स्क्रोप करना है, क्या करना आपको इसको 14 सेकंड पा जाना है। उसका फिर से आपको लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है, फिर से आपको डाउनलोडिंग चल जाना है। और देखिए मेरे पास एक वीडियो है, इस वीडियो का आपको लेना है, ठीक है। इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आपको डाउनलोड कर लेना। इसको क्या करना, कुछ इस तरह से आपको रोटेट कर देना, ठीक है, रोटेट करिएगा। रोटेट करने में क्या करना आपको, इसके अंदर एक और रोटेट करना है। इसके लिए क्या करना आपको, थोड़ा सा नीचे जाइए और यहाँ तक आपको रोटेट का ऑप्शन मिलेगा मोबाइल फोन का, इस पर क्लिक करना है, सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना, ठीक है, सेकंड पर क्लिक कर देना। क्लिक करके आप क्या करना है, इसको इस जगह पर ले आना, यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा इस तरफ कर लेना है, और इस तरफ का डिस्प्ले को पूरा फुल कर देना है। पूरा फुल कर दीजिए, पूरा फुल करने तो क्या करना, पहले इसको हम क्या करेंगे, पहले साउंड को यहाँ से बंद कर देंगे, ठीक है। पहले यहाँ से साउंड को बंद कर देना है, इसको यहाँ से बंद कर देंगे। अब क्या करना, थोड़ा सा नीचे जाना है और ऐसे ब्लेडिंग वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है, ठीक है, इस पर क्लिक करिए और आपको यहाँ से स्क्रीन पर सेट कर देना। सेट करके फिर से एरो का क्लिक करिए बैक आइए। देखिए यहाँ तक आपका वीडियो बनकर तैयार हो चुका है। आप क्या करना है, इसके अंदर आपको फ्लावर को लगाना है। लगाने के लिए फिर से लेयर क्लिक करेंगे, मीडिया क्लिक करेंगे, फिर से आपको यहाँ से डाउनलोडिंग में चल जाना है। और देखिए मेरे पास इसी इमेज को फिर से आपको ले लेना, ठीक है। इसको लेने में क्या करना, पहले इसको लेयर को साइज को पूरा इस तरह से बढ़ाएंगे, आपको इससे बढ़ा लेना। अब पहले इसको क्या करना, लेंथ को इसको बढ़ा देंगे पूरा लास्ट तक, ठीक है, पूरा लास्ट तक कर देंगे, आपको लास्ट तक कर देना। अब क्या करना, इसको जो इमेज है, इस इमेज को क्या करना आपको, इस तरफ कर लेना, ठीक है, कि इसको इस तरफ करना है। इसको साइज को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा करिए, चलिए अब सही है। आपको कुछ इस तरह से लगा लेना है और इसको यहाँ पर लगाना, ठीक है, देखिए इस जगह पर, देखिए आपको जो इमेज कुछ इस तरह से यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए इस तरह से, देखिए इस तरह से आपको नीचे कर लेना। आपको देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। आपको क्या करना, चाबी का आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करके इस इमेज को क्या करना, आपको लास्ट में जाना है, लास्ट में जाइए, और जैसे लास्ट में आ जाइएगा तो इसको क्या करना है, इस इमेज को खींचना है, सॉरी। अब इसका क्या, इस इमेज को क्या करना, आपको खींच कर इस तरफ कर लेंगे, ठीक है, तो आपको इस तरफ कर लेना है। और इस तरफ करके आपको इस जगह पर कुछ इस तरह से यहाँ पर फिक्स कर देना, फिक्स कर दीजिएगा, आपका इमेज कुछ इस तरह से बन जाएगा। आप क्या करना, फिर से लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है, और फिर से आपको डाउनलोड में जाना है और इस फ्लावर को आपको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करिएगा, इसको साइज को पूरा छोटा करना है, छोटा करके आपको क्या करना, इसको सबसे नीचे ले आइए और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करके इसको हम लेयर को पूरा हम लास्ट तक कर देंगे, ठीक है, आपको भी लेयर को लास्ट तक कर देना। वीडियो मेरा लंबा होता है लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं। फिर से इसको डुप्लीकेट कर लें, डुप्लीकेट करके इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको लगा देंगे, लगा देना आपको भी। अब फाइनली देखिए वीडियो बन चुका है। अब इसके अंदर एडियो लगाना है, एडियो लगाने के लिए आपको यहाँ से लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है, फिर से आपको डाउनलोडिंग में चल जाना, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ से डाउनलोडिंग में चल जाते हैं और देखिए मेरे पास यहाँ पे एक वीडियो है। इस वीडियो का हम स्टेटस वीडियो का आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको डाउनलोड कर लेना। स्टेटस वीडियो का आपको सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करके सबसे नीचे जाना, ठीक है, नीचे जाइए और यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा, आपको इंटर स्लाइड सॉरी एक्सटेंड ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, देखिए नीचे यहाँ पर कोई भी ऑडियो नहीं दिख रहा है। आपको जैसे इस पर क्लिक करेगा, देखिए नीचे यहाँ पर ऑडियो ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा। तो क्या करना, आपको स्टेटस को यहाँ से आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करके वीडियो बनकर तैयार हो चुका है। जैसे हम वीडियो को प्ले करते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह से वीडियो बना है, तो आप देख सकते कितना अच्छा, कितना बेहतरीन तरीके से वीडियो बन चुका है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल रहता है, वीडियो में डालते आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और डिस्प्ले पर आपको 2 वीडियो और शो करा, किसी वीडियो क्लिक कर वीडियो को देख सकते हैं। डाल के अपना ही मिलते अगले वीडियो में।